नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया भर के मंदिरों और दूसरी धार्मिक जगहों के बारे में। मुझे अक्सर इन पवित्र जगहों की शांति और ताकत हैरान कर देती है, चाहे वो भारत के बड़े बड़े मंदिर हों, जापान के प्राचीन मंदिर हों, या फिर मध्य पूर्व की शानदार मस्जिदें। हर जगह की अपनी ही कहानी है, श्रद्धा और भक्ति की कहानी। हिंदू धर्म में मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं होते, बल्कि भगवान का घर माने जाते हैं। ये वो जगहें हैं जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं, जहां भक्त भगवान से गहराई से जुड़ सकते हैं। ऊंची ऊंची मीनारों से लेकर बारीक नक्काशी तक, हर चीज सदियों पुरानी आध्यात्मिकता और कारीगरी की विरासत बताती है। लेकिन जो बात इन जगहों को सबसे अलग बनाती है, वो है दर्शन की धारणा, एक संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है देखना। हिंदू पूजा में दर्शन का मतलब होता है भगवान के दर्शन करना। माना जाता है कि जब आप भगवान को देखते हैं और भगवान आपको देखते हैं, तो एक दिव्य संबंध बन जाता है जो धरती की सीमाओं से परे चला जाता है। ये धारणा हालांकि अलग अलग तरीकों से जाहिर की जाती है, लेकिन हर धर्म में मौजूद है। मिसाल के तौर पर ईसाई धर्म में चर्च को भगवान का घर माना जाता है, जहाँ लोग प्रार्थना और सामूहिक भोज के जरिए ईश्वर से जुड़ते हैं। ये पवित्र जगहें आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ से शांति मिल सके। इसी तरह बौद्ध धर्म में मंदिर ध्यान और चिंतन की जगह होते हैं। ये वो जगहें हैं जहां लोग अंदर की शांति और ज्ञान पाते हैं, अक्सर प्राकृतिक सुंदरता से घिरे हुए, जो आत्मज्ञान की खोज में मदद करते हैं। और चलिए इस्लाम की मस्जिदों को भी ना भूलें, जहां दिन में 5 बार नमाज की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि सामुदायिक केंद्र भी हैं, जहां लोग एक साथ आते हैं और अपने धर्म में बताए गए एकता और भाईचारे को दिखाते हैं। तो चाहे वो मंदिर की घंटियों की आवाज हो, चर्च की धीमी फुसफुसाहट हो, या फिर मस्जिद के लयबद्ध मंत्र हो, ये जगहें सिर्फ धार्मिक रस्मों से ज्यादा कुछ देती हैं। ये बदलने और जुड़ने की जगह है, खुद से भी और ईश्वर से भी। हर मंदिर, चर्च या मस्जिद एक कहानी बताती है, श्रद्धा की कहानी, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाती है। आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा ताना बाना बुनती है, जो हमारे मानवीय अनुभव को समृद्ध बनाता है। देखने के लिए शुक्रिया। इन पवित्र जगहों की सुंदरता के बारे में सोचिए और उस सार्वभौमिक भक्ति की भाषा के बारे में भी सोचिए, जो इनमें बसती है। अगली बार तक प्रेरित रहिए और जिंदगी के हर कोने में ईश्वर को ढूंढते रहिए।